हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं ऐसे करके इसलिए खड़ी हूँ कि हमारे घर में इतना शोर आ रहा है भागवत का, क्यों नहीं करूँ शुरुआत, यहीं से कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने एक बहुत अच्छे खास जगह पे, जहाँ पे मेरा मन बहुत दिनों से लगा हुआ था और साल बीत गए, मैं नहीं जा पाई। तो मैं अपने लाल गोपाल के साथ जा रही हूँ, है ना गोलू, ले जाओगे मुझे? इसको मैंने बहुत दिनों से बोला दोस्त मेरे, बनोगे दोस्त मेरे, चाटा खाएगा गोलू। हाँ, इतने दिन से कह रही थी, मेरे को भी दर्शन करा ला राधा माधव के, मगर नहीं। तो मैंने आज इससे जिद की है कि आज मुझे जाना ही जाना है। और मैंने आप लोगों से भी बोला था कल कि मैं कल कहीं जाने वाली हूँ, लास्ट है साल का दिन। वैसे तो लास्ट नहीं बोलना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं है, फिर भी हम मानते हैं एक तारीख दो तारीख। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि भगवान नारायण को के दर्शन करने चलते हैं, साथ में हमारी राधा माता होंगी, है ना, चले। तो शाम हो चुकी है और ये जो हमारे भागवत जी है ना, भागवत 2 बजे से स्टार्ट होते हैं, शाम के 7 बजे तक आरती शुरू हो गई, 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त शोर होता है कि क्या ही कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हो सके तो दर्शन करेंगे भागवत महाराज के, श्री भागवत के महाराज के, और चलते हैं। हालत हो रही हर जगह कपड़े वपड़े, इसको इग्नोर करिए ऐसे करके, ठीक है, ठीक है गोलू, चलो। और यहाँ पर आ गए हैं हम अपने स्कॉन मंदिर, स्कॉन टेंपल आए हैं, और देखते हैं गोलू के राधा माधव और बाकी बिहारी लाल जो भी आप बोलना चाहें उनके हम दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। आप लोग मेरे माध्यम से कुक एंड ब्लॉग स्विच्छा के माध्यम से दर्शन करिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। हालांकि रश भी है, ऐसा नहीं है रश नहीं है, रश भी है, शूज़ देख के ही लग जाता है रश है। मैं इधर ही निकालूँ गोलू, हाँ गरम पानी है, अच्छा चलो। अकेले से नहीं होगा, बोलो प्रसाद लो पहले, यहाँ से हमने प्रसाद भी ले लिया है, है ना। लेता इसके आगे आप रखना ना। पहले से क्या किया गया है, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप सब भी बैठे रहिए, कहीं बच जाइए और भरपूर कीर्तन का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। और अभी जो हमारे कीर्तन के शुरू में जो कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं, चिल्लाना पड़ेगा इसमें। हाँ, यहीं से कर रही हूँ दर्शन, नहीं करते किसी से कर रहा हूँ। मैंने जगन्नाथपुरी के कर रखे जगन्नाथपुरी के डबल, इनसे डबल। Hey!
और यहाँ पर कीर्तन तो चालू ही है, हम लोग निकल रहे हैं, है ना गोलू? ठीक है, बाय बाय राधा जी। आज देखो भीड़, आज कितनी भीड़ है, गा रही शहनाइयां हर जगह भी। नहीं, प्रसाद के बाद गोलगप्पे। भाई साल का लास्ट है, देख ले। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर, घर आई हूँ। इतनी ठंड है बाहर की पूछिए नहीं, और बाइक पे तो बिल्कुल कुल्फी ही बन गए हम लोग। कोई बात नहीं, देखती हूँ अंकल जी तो हैं, चाय वाय बनाती हूँ अब, क्योंकि शाम से भी ज़्यादा हो चुकी है मेरे ख्याल से, 8:30 हो रहे होंगे। टाइम नहीं देखा मैंने, गए और आए, दर्शन बहुत अच्छे हुए, मतलब क्या ही बताऊँ, वहाँ तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से। और आप लोगों को भी दर्शन कराया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गोलू वहाँ जाता रहता है, और एक आधे मंदिर इधर भी हैं हमारे, वहाँ पे भी जाने का मन है, तो देखती हूँ कल जाऊँगी और वहाँ पे भी आप लोगों को दर्शन कराऊँगी मैं। सबसे पहले बनाती हूँ मैं चाय। मंदिर से आने के बाद बनाया खाना पीना, बनाई है आज दाल मखनी, वो भी ढाबे स्टाइल की। ये देखिए गो, मैं दाल मखनी और रोटी, थोड़े से चावल भी दिए गोलू को, है ना, हरे कृष्णा। और इसके बाद हम भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। थोड़ी सी मूली गोलू को दे दूं, थोड़ी सी अंकल जी को भी दे देती हूँ, और लेगा ला हाथ है ना गोलू, इसलिए नहीं पकड़ा है। ये लीजिए, और बताओ कैसी बनी है दाल मखनी? अच्छी है, मक्खन की जगह पे घी डाल दिया। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा बैठ के स्वेटर बुना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही बुनती हूँ तो हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। अगर मोबाइल उठा लूँ तो पता नहीं 1-2 घंटे ऐसे निकल जाते। तो ये है कुहू का स्वेटर, और नए साल की हो गई है शुरुआत। हैप्पी न्यू ईयर गोलू। अच्छा जी, रसगुल्लों के साथ खा लो, आप खा लो, मेरा मन नहीं कर रहा, खा लो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, कुछ नहीं होता, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर होगा, हैप्पी होगा या नहीं होगा पता नहीं। न्यू ईयर होगा, मतलब न्यू ईयर की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से, ना बोलो, सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।